हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ देसी स्टाइल चिकन की रेसिपी, जो कि हमने जुगाड़ू चूल्हे के साथ बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बनाना। और सबसे पहले हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई में हमने डाला है तेल। और यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगी कि जब भी आप इस तरीके से लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाएं तो कढ़ाई के नीचे जो है थोड़ा सा सरफ लगा दें या फिर मिट्टी का घोल लगा दें, ताकि आपका बर्तन गंदा ना हो। और इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। और आप देख सकते हैं हमारा आग कितना अच्छा जल रहा है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है लाल मिर्च, तेज़पत्ता, और साथ ही अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। हमने 2 किलो चिकन में 1 किलो प्याज लिया है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से काट लिया था, और उसको अब हम इसमें डाल चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमारा जो प्याज है वो हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले में हमने लिया है लहसुन 4 से 5, गोल मिर्च, अदरक। इसको हम गांव स्टाइल में सिलवटे पे बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। जितना मिक्सर ग्राइंडर में मसाले का टेस्ट नहीं आता है चिकन में, उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट अगर आप सिलवटे पे मसाला पीसकर चिकन बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाते हैं, उसका स्वाद काफ़ी अनोखी और बहुत ही टेस्टी आती है। तो हम लोग आज चिकन को बिल्कुल गाँव स्टाइल में बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे लहसुन की जो छिलके थे उसको निकाल लिए हैं, और निकाल कर इसको अच्छे से महीन पीस लिया है। अब हमारा मसाला बहुत ही महीन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, जो कि हमने लगभग 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है। तो इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। अब हमारा लहसुन, अदरक, गोल मिर्च और जीरा का मसाला अच्छे से पिस गया है। अब इसको एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। साथ ही हम अब गरम मसाला, इसको भी काफ़ी महीन तरीके से पीस लेंगे। आज की रेसिपी मैं बहुत ही अलग टाइप से बताने वाली हूँ चिकन की रेसिपी, और बिल्कुल विलेज स्टाइल में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आप देख सकते हैं हमने ये गरम मसाले भी बहुत ही अच्छे से पीस लिया है, और अब हमारा प्याज भी लाल हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें चिकन को ऐड कर लेंगे, और चिकन तब तक फ्राई करना है तब तक ये 60% ना पक जाए। तो आपको चिकन को प्याज के साथ ही फ्राई करना है। तो इस तरीके से आप प्याज और चिकन को चलाते हुए अच्छे से फ्राई करें। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो चिकन और प्याज अच्छे से गल जाए। चिकन और प्याज को हमने ढक दिया है, ताकि चिकन और प्याज अपना जो वाटर है वो रिलीज़ कर दे। तो आप देख सकते, ये चिकन अच्छे से अपना जो भी वाटर है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जो कि हमने अभी सिलवट्टे पे पीस के रखा था। तो हमने इसमें लहसुन, अदरक, गोल मिर्च का और जीरा का जो पेस्ट था वो इसमें डाल दिया है। और इसको डालकर अब इसमें हम हल्दी मिर्च ऐड करेंगे। हल्दी हमने लगभग 2 टेबल स्पून के हिसाब से लिया है, और रेड चिल्ली पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर लें। कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसको अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके अपने चैनल मम्मी द ढाबा विद नेहा को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप देख सकते हैं चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है।
अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने सिलवटे पे पीस लिया था, और इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे और थोड़े देर और फ्राई करेंगे। अब ये बिल्कुल बन ही चुका है, अब 1 से 2 मिनट में हमारा चिकन बनकर रेडी हो जाएगा। साथ ही हमने यहाँ चिकन मसाला ऐड कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से चला लेंगे और ढककर 15 मिनट और पका लेंगे। अब ऑलमोस्ट मेरा चिकन रेडी हो चुका है, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं चावल या रोटी के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन बना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट कर मुझे अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।